एक तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी के रथ यात्रा महामहोत्सव, क्योंकि भगवान के संबंध में कोई न होते हैं, वे अलौकिक, अतर्क, अचिंत, अश्वमूर्ध, अमर्त्य होते हैं। जैसे यह महत्वपूर्ण है, वैसे ही दूसरा पक्ष है, भगवान के जनों का इस जगती तल पर आना। जब कोई महापुरुष जिस शुभ तिथि में दिवस पर समय पर इस जगती तल पर आते हैं, तो वह तिथि भी, वह मुहूर्त भी, वह दिवस भी, वह काल भी, वह समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस सारी स्थितियां दिव्य हो जाती हैं। इसलिए इन दोनों कारणों से आज का जो सुअवसर है, हम सबके लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि की नाम, गुण, लीला, वैशिष्ट, माधुर्य आदि अनंत हैं। न अंत इति अनंत, न अंत जस्य नामानि गुणानि लीलावा, उसको अनंत कहते हैं। तो जैसे भगवान अनंत हैं, उसी तरह भगवान के जनों का भी गुणावलियां अनंत होती हैं। कहेंगे कि ऐसे कैसे? प्रमाण स्वरूप महापुरुष और महापुरुष के जो जन होते हैं वो एक होते हैं। तस्मिन तज्जने भेदाभावा, भगवान को महापुरुष कहते हैं और भगवान के जो जन होते हैं उनको भी महापुरुष ही कहते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तो भक्ति नारद सूत्रम के अनुसार तस्मिन तज्जनी भेदाभावत के आधार पर ये दोनों वाक्य एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुष प्राप्त हो जाते हैं फिर भी हमको समझ में आते नहीं हैं, क्योंकि दुर्लभो अगम्य अमोघस्य। भक्ति नारद सूत्रम में ही नारद जी कहते हैं कि वो महापुरुष एक तो दुर्लभ होते हैं और दुर्लभ होते हुए यदि प्राप्त हो गए तो अगम्य, न गम्य इति अगम्य, आने वो समझ में ही नहीं आते हैं कि ये महापुरुष है या कोई साधारण पुरुष, इसलिए वो अगम्य है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि ठीक है, दुर्लभत्व भी है, अगम्यत्व भी है, इतने होने के बावजूद भी जेना केना प्रकारेणा अगर उसका दर्शन हो गया, उन महापुरुषों का संस्पर्शन हो गया, दर्शन हो गया, वार्तालाप हो गया, कुछ उठा बैठी हो गई, तो वह अमोघस्य, वह अमोघ हो जाता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है, उसका फल अचूक होता है। संसार में जितने भी फल हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महापुरुषों के मिलन है, दर्शन है, वार्तालाप है, संलाप है, वह अमोघ है, वो कभी निष्फल नहीं होता है।
ऐसा आज हम सु अवसर प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। श्रेयस की बात कही जाए तो राय रामानंद महाशय से महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहते हैं श्रेय मध्य कौन श्रेय है बुलत, तो श्रेय में सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है, भक्त संग बिना श्रेय नहीं। तो यह जो आज हम लोगों को इस तरह का समागम सुअवसर प्राप्त हुआ है, यह अत्यंत अत्यंत सौभाग्य का सूचक है, बोधक है, ज्ञापक है, परिचायक। अब रही कि महापुरुष के गुणावली कुछ गाना चाहिए, कहना चाहिए, तो तात्विक न कहकर गुणात्मक कहते हैं। ऐसे सुअवसर पर हम कहना चाहेंगे कि संपूर्ण विश्व में भक्ति के प्रचार करने वाले भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज, जो हमारे श्री गुरुदेव के गुरुदेव हैं, हमारे दादा गुरु हैं, बंगला के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, हम बिहार के हिसाब से बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज के जो गुरु महाराज हैं वो हमारे दादा गुरु हैं। इन महापुरुष ने ऐसी भक्ति के वृक्ष लगाई, ऐसा बीजारोपण किया कि संपूर्ण विश्व में अनेकों अनेकों बाग लगाए और उन बागों में से अनेकों अनेकों महापुरुष हुए और उन सबकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कुछ नाम रख देते हैं, श्रील जयपताका महाराज बंगाल में एक ऐसे महापुरुष हैं कि उनकी अद्वितीय छवि है। उधर दक्षिण में देख लेते हैं श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज को, उनकी अपने आप में अद्वितीय छवि है। महाराष्ट्र में और चलते हैं तुकाराम स्वरूप श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज, अपने आप में अद्वितीय महापुरुष हैं। और आते हैं इधर दिल्ली में, जो हमारे प्रसिद्ध श्री श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने अपने आप में अद्वितीय एक महापुरुष हैं। ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जिनका हम नाम क्रमशः नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये सभी महापुरुष अपने अपने जगह पर अप्रतिम हैं, अप्रतिम महिमा वाले हैं। उसी कड़ी में अपने श्री गुरुदेव भी आते हैं, इनकी भी एक जो अप्रतिम छवि है, आहा क्या कहना है, इनकी बाल काल से ही देखें तो अप्रतिम है। क्योंकि भोजपुरी में कहावत है कि होनहार बिरवे के होते लहलह चिकने पात, जो होनहार कोई पौधा होती है तो बचपन से ही दिखने लगती है कि ये कितना सुंदर है, कितनी हरी भरी है, कितनी मजबूती है इसमें, अने ओजस्विता मनस्विता तेजस्विता प्रगल्भता, इन सारे लक्षणों को देख सकते हैं, अने ये सारे लक्षणें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। तो महाराज श्री भी उसी में से एक महापुरुष हैं। जब ये बालकाल में अपने घर पर रहते थे तो इनका एक समंत परिवार में जन्म हुआ, बड़े धनी मनी घर में जन्म हुआ। इनके पिताजी दो भाई हैं, इनके पिताजी का नाम है श्री देवन सिंह और इनके चाचा का नाम था श्री रूपू सिंह। इनके चाचा के देह से तीन पुत्र और देवन सिंह महाराज श्री के पिता के देह से पांच पुत्र और चार लड़के।
जिसमें सबसे बड़े वृंदावन चंद्रदास महाराज के पिताश्री हैं, उनका नाम यज्ञ पुरुष दास, उनसे छोटे लक्ष्मण दास, उनसे छोटे ब्रजेश तनयदास, और उसके बाद महाराज श्री का नंबर है, इनके बाद श्री राधा रमण गोस्वामी महाराज का नंबर है। सबसे छोटे अपने भाई में श्री राधा रमण गोस्वामी महाराज हैं। महाराज श्री से बड़ी तीन बहनें हैं और राधा रमण महाराज से एक छोटी बहन थी और महाराज जी से दो छोटे, एक राधा रमण महाराज और एक उनकी बहन, जिसमें आज के डेट में हमारी जानकारी के अनुसार वृंदावन चंद्रदास जी महाराज के पिताश्री नहीं हैं, सबसे बड़े थे, और जो सबसे छोटी बहन थी वो भी नहीं है, किंतु बाकी अभी सभी लोग हैं। महाराज श्री को आप देख रहे हैं, राधारमण महाराज की दृष्टि को देख रहे हैं और ब्रजेश तनयदास जी को यहीं देख रहे हैं केशव कुंज में। जब महाराज जी छोटे थे तभी से ये साधु के नाम से प्रसिद्ध थे, घर पर थे तभी से प्रसिद्ध थे, और उस समय साधु क्यों प्रसिद्ध हुए तो दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, तो दूसरी कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो इनको एक स्वप्न हुआ, स्वप्न में साक्षात माता सरस्वती आई और कहे कि तुम बाल मत कटाओ, तुम बाल बढ़ा के रखना। तो इन्होंने काफी समय तक लगभग 2 साल के आसपास तक बाल नहीं कटाए। इन्होंने पूछा था कि कब तक न कटाऊं, लेकिन 2 साल पूरे जब हो जाए तब बाल कटा लेना, तो 2 साल तक बाल नहीं कटाए थे इन्होंने। और उस समय दूसरी कक्षा में महाराज जी पढ़ रहे थे और महाराज जी के आयु लगभग थी 9 साल के, क्योंकि हम ये जो बोल रहे हैं डायरेक्ट महाराज जी से सुनी हुई बात बोल रहे हैं। गुरुराम मंदिर में हम और भैया एक और कोई थे, तो भैया ने ही जिज्ञासा की गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज कि आप अपने जीवनी के बारे में कुछ बतलाएं, तो स्वयं महाराज श्री ने बतलाया, तो हमारा भी सौभाग्य था वहीं भैया के साथ थे तो सुन, तो ये बात बतलाए थे उन्होंने। तो उस समय महाराज जी दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे और 9 साल के आसपास हो गए थे, बल्कि कुछ पार ही कर गए हुए, पीछे नहीं थे। उस समय जब बाल बढ़ा तो सब लोग उनको साधु साधु कहने लगे और साधु घर पर ही प्रसिद्ध हो गए, साधु जी, ए साधु जी, ए साधु जी, ए साधु, और इनका हाव भाव स्वभाव सब साधु का। वृंदावन चंद्रदास जी की माँ जो महाराज जी के भाभी लगती थी, अब वो नहीं है, वो वर्णन कभी कभी करती थी कि ये बहुत सीधे साधे स्वभाव के, भोलापन एकदम सीधे, बचपन से ही ऐसे दिखाई देते, और सभी लोग साधु कहते थे, घर वाले सभी साधु। जब 2 साल के बाद बाल कटाए, फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते करते भाई जी से इनका संपर्क हुआ पत्र के माध्यम से। जब सरैया हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय 7वीं कक्षा में महाराज जी पढ़ रहे थे, 7वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो एक पत्रिका इनको देने, स्कूल में देने के लिए व्यक्ति आया और संयोग से प्रिंसिपल को न देकर इन्हीं को दे दिया और कहा कि प्रिंसिपल को दे देना। वो देकर चला गया, जैसे ही जब गया ये पत्रिका उलाटे और देखे तो शुरू में ही, प्रारंभ में ही लिखा हुआ था कि इस पत्रिका को जो पढ़ेगा कृष्ण को भगवान मान लेगा। तो उस पत्रिका को महाराज जी जब हाथ में लिए तो कहे कि ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, ये पत्रिका पढ़ते ही कृष्ण को भगवान मान लेगा, ये कैसे हो सकता है, जरा इस पत्रिका को पढ़कर देखो।
तो प्रिंसिपल को देने से पहले चैलेंज के मूड में महाराज जी ने पढ़ना प्रारंभ किया, और जब बैठे पढ़ना चालू किए तो पूरा पत्रिका पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद निर्णय लिए कि जिस महापुरुष ने लिखा है वो ठीक लिखा है। उनकी धारणा बदल गई और वो मन में विचार करने लगे कि इस महापुरुष से मिलना चाहिए, ये दर्शन करने लायक पुरुष है, कृष्ण को भगवान कहा और वास्तव में इसने जैसा कहा है वैसा समझा है, अब मिलूंगा। तब उन्होंने एक पोस्ट कार्ड पर उसका उत्तर लिखे, पत्र लिखे, और पत्र जब पहुंचा तो उधर से उत्तर आया, और ऐसे कईक बार चलता रहा। जब महाराज जी आठवीं कक्षा में पार कर गए, नौवीं में गए, तभी उनका चलता रहा। बोर्ड का जब समय आया तो परीक्षा नहीं दिए थे, वो भाग कर चले गए थे। किंतु एक बात और, उससे पहले एक घटना घटी कि ये चार लोग चले गए थे गोरखपुर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार के पास। तो चार लोग गए थे तो उसमें एक महाराज जी थे, एक महाराज जी के भतीजा श्याम सुंदर दास जी जो बरसाने में रहते हैं, और एक मोहनदास, एक रसेनुआ के जयराम जी। ये चार जन एक साथ ही रहते थे, चारों एक उम्र वाले ही लगभग थे। उस गए जब तो वहाँ पहुँच गए और बहुत भूख लगी थी, तो जैसे तैसे करके कुछ आटा चून को व्यवस्था करके लिए और बनाए भोजन। और महाराज श्री कह रहे थे कि उस रोटी को, एक रोटी को बना लेते थे फिर चार टूके करते थे, और चारों आदमी जब पा लेते थे तो फिर दूसरी रोटी बनती थी, और दूसरी रोटी बन गई फिर उसको चार टूके किए और फिर खा लिए तब तीसरी रोटी बनी, ऐसे करके चौथी पंचमी करके पूरा पेट भर जब खा लिए तब संतुष्टि हुई, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो भोजन क्या था? रोटी और नमक, क्योंकि साथ में और कुछ नहीं था। खाने के पश्चात भाई जी से मिलने के लिए गए तो वहाँ एक बंका जी थे जो भाई जी के जन थे, उन्होंने पूछा और पूछ कर फिर मिलाया भाई जी से। जब मिले, वो मिलने के पश्चात इन लोगों का सारा दुख दर्द समाप्त हो गया। भाई जी ने एक दिन, दो दिन, तीन दिन रहने के लिए कहा, खिलाया पिलाया, सब समाचार किया, बड़ा स्नेह दिया, और उनके स्नेह स्वभाव से महाराज जी प्रथम मिलन में ही उनको अपना गुरु बना दिए कि हमारे गुरु के लायक यही है। इसके बाद में उन्होंने चलते समय पूछा कि पैसा वैसा है, क्योंकि तुम लोग विद्यार्थी हो और बिहार से आए हो, पैसा है? तो कहते पैसा तो नहीं है, कुछ महाराज जी के पास पैसे थे, तो कहते कुछ हैं। तो भाई जी ने बंका जी से कहा कि इन लोग बच्चों को भाड़ा दो जाने आने के लिए, जितना इनका आने में लगा है वो भी दो और जितना जाने में लगेगा वो भी दो। तो सब दिलवाए, इसके बाद में आ गए कुछ दिन के बाद, फिर पढ़ते रहे। लेकिन जब बोर्ड के परीक्षा देने का समय आया तो तीन चार महीना पहले ही, मैंने पाँच छः महीना पहले ही महाराज जी भाग कर फिर चले गए भाई जी के पास, और वहाँ जाके लगातार छः महीना रह गए। और जब कुछ ही समय थे तब तो भाई जी कहे कि शुभ नारायण, इनका घर का नाम था शुभ नारायण, शुभ नारायण तुम तो अभी परीक्षा नहीं दिए हो, परीक्षा का टाइम आ गया, जाओ परीक्षा देकर आ जाओ। इसके बाद में वो परीक्षा देने आए, किंतु उन्होंने कहा कि पिताजी, पिताजी ही कहते थे, सब लोग पिताजी कहते थे, क्योंकि भाई जी की एक बेटी थी तो पिताजी पिताजी कहती थी, तो ये भी पिताजी पिताजी ही कहते थे। पिताजी अब तो टाइम नहीं है, हम क्या जाकर करेंगे? तो भाई जी ने कहा कि नहीं, आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आपका काम हो जाएगा, जाओ। तो जैसे ही आए तो इनका एक बहुत प्रिय शिक्षक थे महाराज श्री के, जो इनसे बहुत प्यार करते थे, वो क्षत्रिय थे या राय थे, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है,
तो उन्होंने कहा कि शुभ नारायण तू आ गए, बहुत अच्छा किए, तुम्हारे लिए मैं एक पेपर रखा हूँ, क्या कहते हैं उसको, पेपर कॉपी रखा हूँ, तू इसको लो या फॉर्म भरो। तो उन्होंने लिया और भरा, परीक्षा दिया और फर्स्ट क्लास से पास। जाके राखे साइया मार सके न को, वही बात है, कुछ भी लिखे फर्स्ट क्लास से पास। फिर पास होने के बाद में फिर उधर ही गए। इसके बाद में जब उनका वहाँ आना जाना चालू हुआ तो भजन क्या करते थे, राधे 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 का ही कीर्तन होता था। वहाँ एक राधे बाबा हैं, आज भी उनकी समाधि, सिद्ध महापुरुष थे, राधे राधे का कीर्तन गुड़दा में भी होता था महाराज श्री के जन्मभूमि पर, जहाँ उनका जन्मभूमि है गुड़दा गाँव में, दो नदियों के बीच में उनका गाँव है। और शास्त्रों में वर्णन है कि दो नदियों के दो द्वीपों के बीच में जिनका जन्म होता है बहुत बड़े उद्भव विद्वान महापुरुष ही होते हैं। तो दो नदियों के बीच में इनका गांव है, तट पर है। ये महापुरुष राधे राधे नाम का कीर्तन करते थे। जब बहुत बार आना जाना हुआ तो एक दिन भक्ति वेदांत स्वामी के विषय में भाई जी ने बतलाया कि शुभ नारायण तुम महाप्रभु के जन हो, क्योंकि तुम बहुत चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो, तुम्हारे ग्रंथों के अध्ययन से और तुम्हारे हाव भाव आकार प्रकार को देखने से यह पता चल रहा है कि तुम महाप्रभु के जन हो, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम भक्ति वेदांत स्वामी को गुरु बनाओ, हमारे आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी, तुम गुरु उन्हीं को बनाओ। उन्होंने एक बार दो बार कई एक बार ऐसे कहा, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक बार पुनः कहा और कहा कि देखो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही तुम्हारे गुरु के लायक हैं। देखे अच्छा, तो इतना कहे इसके बाद गांव आ गए थे और पेपर में सुने थे, पेपर पढ़ते थे महाराज जी, तो पेपर में लिखला था कि भक्ति वेदांत स्वामी संपूर्ण विश्व में भक्ति के प्रचार करने वाले भक्ति वेदांत स्वामी काशी में 35 भक्तों के साथ, 35 विदेशी भक्तों के साथ आ रहे हैं। तो हमको ये बातें याद आ गई तो मैं भी ट्रेन पकड़कर पहुंच गया पंडाल में। जिस समय प्रवचन हो रहा था स्वामी जी का, भक्ति वेदांत स्वामी जी का, तो मैं दूर से दर्शन किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया नज़दीक से। प्रवचन सुना और दूर से प्रवचन सुनकर प्रसाद लेकर मने मने प्रणाम किन्हा और चलते बने। जब चल दिए तो पुनः भाई जी के पास पहुँचे और जब पहुँचे तो उसी समय प्रभुपाद जी भी पहुंच गए थे गीता प्रेस गोरखपुर। तब भाई जी कहे कि शुभ नारायण वास्तव में तुम्हारा शुभ समय आ गया है। तो ये कहे कि महाराज श्री ने कहे क्या पिताजी, तो हम जिन महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे वो दोनों एक साथ हो गए हैं, तुम भी उपस्थित हो और भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद भी आए हैं, इसलिए तुमको कल उनसे मिलना है और तुमको उनसे दीक्षा लेनी है। अच्छी अच्छा ऐसा है तो हाँ ठीक है, तुम जाकर अकेले भी मिल सकते हो हमारा नाम लेकर, तुम मिलो उनसे, वो बहुत अच्छे महापुरुष हैं, मैं नज़दीक से जानता हूँ। तो खग जाने खगई की भाषा, सीधे ही सिद्ध की भाषा जानते हैं, जैसे पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं, सहवासिन वो सहवासिन स्वभाव बीजानियात के आधार पर उन्होंने कहा कि जाओ। तब प्रभुपाद जी से दूसरे दिन उन्होंने मिलने का प्लान बनाया और मंगला आरती के बाद प्रभुपाद जी जप कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उस समय श्रील गुरुदेव गए और जाकर स्वामी जी को प्रणाम किए। तो अभी तो हम लोगों के यहाँ प्रणाम करने के सिस्टम है पंचांग या षष्टांग, लेकिन और साधुओं में सिस्टम है महाराज दंडवत, दंडवत बाबा, दंडवत स्वामी जी, नमो नारायण या हरे कृष्ण, ये है
साधुओं की परिभाषा, वो जमीन पर नहीं झुकते हैं। तो महाराज जी वहाँ गए और सामान्य तरह से उन्होंने स्वामी जी को हाथ जोड़ा, बड़े नम्रता से प्रणाम किया और स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है? तो स्वामी जी ने कहा, महाराज श्री ने कहा कि हमको भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से मिलना है। कहा कि अच्छा ठीक है, आप इतने टाइम पर आना, वो यहीं मिलेंगे, ठीक है, यहीं पे आना, यहीं पर मिला देंगे, ठीक है। तो फिर आधे घंटा बाद, घड़ी के टाइम से आधे घंटा दिए थे, तो 3 मिनट पहले ही पहुंच गए। मिलने की उतावला थी मन में। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही स्वामी जी जप कर रहे हैं। जप करते करते फिर मुझे देखे, कहे कि आओ। जब आसन पर बैठ गए तो कहे कि लोग मुझे ही लोग भक्ति वेदांत स्वामी नाम से जानते हैं। ऐसा जब कहे तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि जिनसे मैं मिलना चाहता था ये वही महापुरुष हैं जिनके बारे में पिताजी बार बार कहा करते थे। तो उसी समय उनके बहुत सारे शिष्य आके प्रणाम करने लगे, तो उनके देखा देखी मैं भी प्रणाम किया, क्योंकि अपने आचार्य धर्म सिखाना न जाए तो वैष्णव लोग गुरुजन अपने आचरण से सिखा देते हैं। तो महाराज जी ने भी उनको साष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद में बैठे प्रभुपाद जी के कहने से। तो उन्होंने कहा कि तुम भक्ति वेदांत स्वामी से क्यों मिलना चाहते हो? तो उन्होंने सारा परिचय दिया कि मुझे भाई जी ने ऐसे ऐसे कहा। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा, ठीक है, तुम क्या जानते हो, कुछ पढ़े लिखे हो, जानते हो? तो कहा, हाँ, हमने थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा सुना है इनके शरण रह के। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि किनको जानते हो? मैं जानता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में जानता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानता हूँ। तो एक प्रश्न किया प्रभुपाद जी ने कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, जानते हो? तो श्री गुरुदेव ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, कौन थे वे? तो कहे कि भगवान हैं वे। नहीं, भगवान नहीं, वो तो सन्यासी हैं, साधु हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो भगवान हैं, वो भगवान हैं। तो कैसे मान लें कि वो भगवान हैं? तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मुझे बहकाइए नहीं, वो भगवान हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि साधु हैं सन्यासी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो भगवान हैं, क्योंकि वो भक्त का सन्यासी का एक अभिनय कर रहे थे, क्योंकि महाराज जी की प्रस्तुति बहुत तगड़ी थी और महाराज जी बाल काल से रामलीला करते थे। इनको प्रस्तुति की शैली तो दाय भाग में थी, और जिनको दूसरी कक्षा में माँ सरस्वती आशीर्वाद दी हो वो कोई सामान्य पुरुष हो सकते हैं क्या? तो दाय भाग में उनके था। समझाए कहे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो साधु सन्यासी के साथ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, ऐसा चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में है। हम आपके कहने से खाली साधु नहीं मानेंगे। तो प्रभुपाद जी मुस्कुरा गए और उसी समय कुछ शिष्य कहे कि देखो, इसका अडिग विश्वास है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति, ये ठीक समझा है। बहुत खुश हुए। इसके बाद में बहुत चर्चा नहीं हुई। कुछ दिन के बाद चले गए और वे भाई जी से विदा लेकर बिहार गए। बिहार से फिर भाई जी के पास गए तो भाई जी का शरीर संपन्न, भाई जी के लीला यही समाप्त। अब महाराज अकेले पड़ गए। तो भाई जी की बात उन्हें याद आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जी तो हमको प्रभुपाद जी के चरण में समर्पित किया ही है, अब वृंदावन की रास्ता देखे। जब वृंदावन आए तो मिले, तो सबसे पहले भक्ति चारू महाराज से मिले। भक्ति चारू महाराज उस समय प्रभुपाद जी के सेवा में थे और श्री तमाल कृष्ण महाराज सेवा में थे। तो तमाल कृष्ण महाराज के बारे में कि वो बड़ा कड़क स्वभाव के थे, वो मिलने नहीं देते थे, लेकिन भक्ति चारू महाराज बड़ा मुलायम स्वभाव के थे,
वो हमको धीरे से मिलने के अवसर दे दिए और मिला भी दिए। सारी बातें हुई, प्रभुपाद जी को थोड़ी सी बात हमने बतलाई, तुरंत समझ गए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक से भजन साधन करना। और कुछ ही दिन के बाद उनको विदेश जाना था। पूर्व वाली सारी बातें स्मरण हो आई प्रभुपाद जी को, वहाँ मिले थे, सारी बातें जोड़ दिए। और भाई जी का जन्म है शुभ नारायण, तो कहना ही क्या है, तो दीक्षा होने वाली थी। इसके बाद दीक्षा हो रही थी तो उसमें बड़ा कड़क नियम था, तो भक्ति चारू महाराज से इन्होंने कहे कि जब दीक्षा हो ही रही तो हमारी भी दीक्षा करा दीजिए। उस समय उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी दीक्षा नहीं होती है शुभ नारायण, प्रभुपाद जी से फिर भी तुम्हारी बात मैं कहूँगा। तो प्रभुपाद जी कहे, प्रभुपाद जी सुने और सुनकर कहे कि बात तो सही है तुम्हारी कि इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन वो भाई जी का जन है इसलिए शुभ नारायण को बैठा दो, इसी में उसकी भी दीक्षा हो जाएगी। तो उस समय हमने जो श्रुत ज्ञान के आधार पर पाया है, तीन लोगों की दीक्षा हुई थी। एक कोई माता जी थी और एक और कोई थे जिनका नाम दधिभक्ष नाम है, दधिभक्ष प्रभु, और एक श्री महाराज जी का। इन तीन महाजनों की दीक्षा हुई रामनवमी के शुभ तिथि में। और इसके बाद में प्रभुपाद जी दीक्षा देकर विदेश चले गए। जब वहाँ से आए तो दीक्षा होने के पश्चात ही सबको आश्चर्य हुआ कि इतने कम दिन में इसको इतनी जल्दी दीक्षा, एक तो चर्चा का विषय बन गया। जब दूसरी बार प्रभुपाद जी उधर से लौटे तो महाराज श्री बड़े ऑल मस्त रहते थे, वृंदावन में भी घूमते थे, मनमोहन कुटी भी रहते थे और आते भी थे। तो जब प्रभुपाद जी आते थे तो कथा सुनने के लिए आते थे, फिर घूमते थे मस्ती में, भागवत पढ़ते थे जमुना जी के तट, तो कभी निधि वन में, तो कभी सेवा कुंज में, तो कभी रूप सनातन महापुरुषों के चरणों में, ऐसे इनका बीत रहा था। तो एक दिन प्रभुपाद जी कथा कह रहे थे और कथा में जो ब्लैक बोर्ड पर श्लोक लिखने की आज परंपरा है, यह आज की नहीं, वह उसी समय की है, फौंडराचार्य के द्वारा ही स्थापित है। तो श्लोक बोला गया, उसका उच्चारण हुआ, अनुवाद हुआ, तात्पर्य हुआ, कथा हुई, संपन्न हो जाने के बाद में प्रभुपाद जी ने पूछी कि इसमें से कोई ऐसा है जो हमने प्रवचन किया है, जिस श्लोक पर विचार किया है, इसको पढ़कर सुना सकें और इसका अर्थ ऐसा कर सकें? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो श्री गुरुदेव पीछे बैठे हुए थे एक पिलर के पीछे, तो उन्होंने धीरे से उठा और कहा कि मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने उठे और साहस देखे प्रभुपाद जी, तो नज़दीक बुलाए और नज़दीक बुलाकर उनसे पढ़वाए। तो जो पढ़े उस शैली को सुनते ही सबका मन मोह महाराज जी अपने तरफ खींच लिए। यह कोई बनावटी नहीं, यह विस्तृत बात है कि महाराज जी जब श्लोक पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। अपने ताल तरंग रिदम के साथ जब उन्होंने पढ़े तो सबके चित्तवृत्ति को खींच लिए और उसका अन्वय के साथ किए। शब्दार्थ नहीं, अन्वय। अन्वय और शब्दार्थ में अंतर होता है। शब्द का अर्थ जब किया जाता है उसको शब्दार्थ कहते हैं और अन्वय का मतलब कि सजाना। तो कहाँ कर्ता होना चाहिए, कहाँ क्रिया होनी चाहिए, कहाँ विशेषण होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने विश्लेषण और जब अनुवाद किया तो सभी लोग चकित और प्रभुपाद तो परमानंदित अपने नज़दीक बुलाए और ऐसे माला को निकाले और उनके गले में डालकर खूब पीठ को थपथपाए और कहे कि रूम में आना। तो सबके दृष्टि में गुरु महाराज बहुत कम दिन में चंद्रमा के समान चमकने लगे, चक 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 चकाचक, पूर्णिमा के चांदनी जैसी उनकी छटा फैल गई, उनकी ज्योत्सना फैल गई, उनका प्रकाश फैल गया। और जहां तक हमको होश है, प्रचार की बात हम कहते हैं, जहां तक हमको होश है, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री पूछपाद
श्री वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी महाराज यही हैं। इन्होंने तो बहुत सुना है, इन्होंने तो कईक कईक सौभाग्य प्राप्त किए हैं, इनके मुखारविंद से सुनेंगे ही, लेकिन जो हमने समझा है, देखा है आँख से, वही कह रहे हैं। दृष्ट और श्रुत दोनों बातों को हम कह रहे हैं। श्रुत तो हमने कह दी, अब दृष्ट कह रहे हैं। दृष्ट क्या कि हमने जब से देखा है और महाराज जी को महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया है, तो महाराज जी के जन्मभूमि से हमारा जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि लगभग 4.5 किलोमीटर के दूरी पर होगी। 5 किलोमीटर कहूँ तभी चलेगा, नहीं तो 4.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ 4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दूरी पर जब वो 3 बजे जग जाते थे, स्नान आदि करके शारीरिक धर्म से निवृत्त होकर जब माइक बजाते थे या कीर्तन करते थे, घड़ी घंटाल जब बजती थी, तो हम लोगों को गांव पर निठाह सुनाई पड़ती थी। निठाह माने साफ साफ स्पष्ट, ये निठाह शब्द भोजपुरी का शब्द है। साफ साफ सुनाई पड़ती थी कि क्या गाया जा रहा है, इतनी तगड़ी आवाज आती थी। अने 2-6 किलोमीटर तक वो आवाज़ जाती थी, हमारे गांव से भी दूर जाती थी। और वहाँ से चलकर मंगला आरती करके कुछ भक्तों के साथ मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते हुए 10-15 गांव को कीर्तन करते हुए, और सूर्योदय होने से पहले ही वे अपने गांव को लौट जाते थे। जब इतना सुन भक्तों के साथ जब वो कीर्तन करते हुए आते थे, तो इतना सुंदर वो मृदंग की आवाज़ लगती थी कि हम लोग छोटे छोटे थे, वो जाड़े के दिन में सोए रहते थे, निकलने का मन नहीं होता था रजाई में से, गुदड़ी में से, लेकिन वास्तव में मैं हकीकत कहता हूँ कि मन उसी में नाचता था, गुदड़ी के भीतर ही मन नाचता था सुन सुन के। ये कोई मैं किसी के काल्पनिक सुनी हुई बात नहीं करूँ, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि मन उसी में नाचने लगता था, और मन करता था कि इस साधु को देखें कौन गा रहे हैं, कौन बजा रहे हैं इतना मधुर, और तब तक से निकलने से पहले गांव से पार। वो केवल प्रभात फेरी करते थे, कीर्तन करते थे, ऐसे करते करते कईक गांवों को छूते थे। और उन उसी तरह के प्रचार करने वालों में से कईक गांवों से भक्त बनाए, जिसमें सर्वप्रथम खरडीहा को गढ़ बनाए, जहाँ के पूज्यपाद श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज थे। और उस गांव में जब गढ़ बना सबसे प्रथम, तो 35-40 भक्त बने एक ही समय में। और वहाँ से जब प्रचार चालू हुआ, तो दूसरा नंबर पर गढ़ बना हमारे गांव के बगल में है कुकुढ़ा, कुकुढ़ा बना। इसके बाद में फिर पहाड़ पर, पहाड़ मतलब समझ रहे हैं ना, जंगल, जहाँ पर भालू भी हैं, सिंह भी हैं, बाघ भी हैं, तेंदुए भी हैं, अनेकों हिंसक पशु हैं। और सबसे ज़्यादा हिंसक पशु कौन है, जो राइफल और बंदूक लेके चलते हैं और किसी को मार देते हैं, वो सबसे ज़्यादा हिंसक हैं। इन सारे लोगों के बीच घूम घूम कर जो उदारता से इन्होंने कीर्तन किया, प्रचार किया, इन सारे रीतियों को देखने से, और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु श्री चैतन्य देव के उस झारखंड लीला को पढ़ने से, और जब तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, तो तस्मिन तज्जने भेदाभाव में कोई अंतर नहीं दिखता है मुझको। तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि एक नहीं अनेकों गांवों में प्रचार किए और अनेकों लोगों को भक्त बनाए, और साथ ही ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाए जो आदमी को शूट करते थे, गोली मार देते थे। ऐसे डकैतों को, ऐसे दसी ग्रुप के सरदारों को भी उन्होंने दीक्षा दी, नाम जप करवाया और बंदूक सदा सदा के लिए रखवा दिया। ऐसी इनकी क्षमता रही, ऐसा इनका प्रचार कार्य रहा। और 1-2 कोस नहीं चलते थे, 21-21 किलोमीटर पैदल चलते थे, और प्रचार में स्वयं महाराज जी अपने सिर पर बैटरी रख कर भी चले हैं।
अपने कंधे में झोला लटका के चले हैं, अपने सिर पर कंबल तो नहीं मैं देखा हूँ, लेकिन बैटरी को भैया बतलाए थे कि खडिहां आने में, भगवानपुर से खडिहां आने में लगभग 6 किलोमीटर होगा, 5 किलो मान लो, 5 किलोमीटर 30 किलो वाले बैटरी को सिर पर रख कर लेकर आए थे प्रचार करने के लिए। अब कितना उनका उत्साह हो सकता है आप अनुमान मिलाइए। बेलाओं से भी उन्होंने कई एक बार सिर पर गठरी लेकर खडिहां आते थे और वहां से फिर पहाड़ पर चढ़ते थे और प्रचार के लिए 30-35 भक्तों को साथ लेकर प्रचार करते थे। तो उनका इस तरह का प्रचार कार्य था और एकदम साधारण से साधारण लोगों में जाते थे, एकदम गांव के लोगों में जाते थे। अरे बत्ती लाइट की तो बात छोड़ दीजिए, जहां की घर में मिट्टी के तेल और डिबरी जलाने के लिए भी सुविधा नहीं, वहां तक जाके प्रचार किए हैं महापुरुष। अरे और तो क्या कहें, जो शराब और भात को दाल और सब्जी के तरह मिलाकर खाने वाले हैं उनको भक्त बनाए, और उनकी ऐसी निष्ठा हुई, उनका ऐसा प्रभाव हुआ, नाम जपने का प्रभाव हुआ कि जब वह व्यक्ति जो शराब के बिना नहीं जी सकता है, शराब को दाल और सब्जी जैसा खाता था भात में सान सान कर, वह व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले गुरु महाराज को याद किया, भैया महाराज को याद किया, और गिने चुने जिनसे उनका प्रेम संबंध था जैसा उनको याद किया और कहा कि अब मैं शरीर छोड़ूंगा, मेरा प्रणाम मेरे गुरु जी तक पहुंचा देना। अपने बेटी से कहे कि यहाँ पोत दो, मैं जा रहा हूँ नदी में स्नान करके आऊँगा, यहाँ शरीर छोड़ूंगा, और शरीर छोड़ा, जैसा कहा वैसा शरीर छोड़ा। तो महाराज ये कैसे पारसमणि हैं कि पारसमणि तो केवल लोहा को सोना बना के छोड़ देता है, लेकिन ये महापुरुष लोग तो ऐसे हैं कि पारसमणि बना देते हैं किसी भी जीव को, जिसमें से अनेकों महापुरुष के रूप में आज देख रहे हैं। उसमें से गौर कृष्ण महाराज हुए, उसमें से वृंदावन चंददास महाराज हुए, उसमें से अनंत कृष्ण महाराज हुए, और भी बहुत सारे महाराज, जैसे ओ हलाइद महाराज हैं, श्री हलाइद महाराज हैं, बहुत सारे महापुरुष पारस बन गए जो कि किसी को भी पारस बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इन महापुरुषों की अद्भुत अलौकिक रहनी है। अब रही बात मेधा और क्षमता की, तो सभी लोग जानते हैं उनकी कथा को, उनकी पढ़ने की रुचि को, उनकी प्रस्तुति को, और मिलनसार कितना है, उनका कितना प्रांजल व्यवहार है, कितना सरल व्यवहार है, किसी के लिए भी उदारतापूर्वक देने में कभी वो मुट्ठी नहीं बांधे, खोल दिए, जो गया उसी के लिए उड़ेल दिए, वो चाहे अपना शिष्य हो या चाहे किसी और का शिष्य हो। मैंने तो जीवन में यही अध्ययन किया, और उन्होंने यह कहा भी है कि ये हम सीखे कहाँ से, तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार से, क्योंकि भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार किसी के लिए मुट्ठी खोल कर रखते थे, बांध कर नहीं रखते थे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक गृहस्थ आता था और 3 लड़कियों को विवाह करना था, और उस समय 3 लड़कियों के विवाह करने के लिए 3 टाइम में अलग अलग पैसा दिया श्री भाई जी ने, एक को 1 बार 70,000 दिया, एक को 1,20,000 और एक को 1,40,000 दिया। महाराज जी विश्लेषण करते हुए जब बोल रहे थे तो कहे कि आज के डेट में 1,20,000 का 40,00,000 से ज़्यादा कहेंगे, जिस समय वो 1,00,000 दिए थे 40 गुना ज़्यादा कहेंगे। तो मिलाइए को कितना उदार थे। तो उनके चरित्रों से हमको सीखने को मिला कि हमें भी उतना ही उदार बनना चाहिए। तो उन्होंने पैसा भी किसी को दिया तो बड़े उदारता से, ज्ञान भी दिया तो बड़े उदारता से, और प्रस्तुति भगवान को जब करने लगते हैं तो लगता है कि ये केवल कथा नहीं कहते हैं, कुंज में बैठ कर दर्शन करा रहे हैं। जैसे हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, सीरियल देखते हैं, वैसे दर्शन कराते हैं। ये बहुत महाजनों का अनुभव है। हमारे बाबा महाराज श्री मानगढ़ वाले बाबा कहते हैं, जब हम उनसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे तो हमसे पूछे कि तुम इस कान में किनसे दीक्षा लिए हो, तो मैं कहा कि हमारे श्री गुरुदेव बिहार के हैं।
तो बिहार के श्री राधा गोविंद जी के शिष्य हो क्या, एक चीज तरह तब मैं बोल रहा हूँ उसी तरह। मैंने कहा हाँ, अरे तुम तो बड़े भाग्यवान हो रूपचरण, तुम्हारे गुरु महाराज तो छिपे हुए एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनको तो कोई कोई समझ पाएगा। ये बाबा महाराज की बात है, वो तो ऐसे महापुरुष हैं कि लालटेन लेकर खोजा जाए, उनका शब्द है बाबा महाराज की, लालटेन लेकर खोजा जाए कि महापुरुष कहाँ है, तो तुम्हारे गुरु जी जैसा कोई बिरले मिलेगा। ये बाबा महाराज का शब्द सुना रहा हूँ, ये नहीं कि हमारे गुरु जी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे गुरु जी होने से ही अगर मैं केवल प्रशंसा करता तो एक बार हमारे भैया और श्याम सुंदर जी दोनों महापुरुष एक साथ थे, और बाबा के कथा सुनकर श्री जी के दर्शन जा रहे थे, तो बाबा के कथा में और गुरु महाराज के कथा में लोग मेल कर रहे थे कि क्या क्या अंतर है। तो जब कर रहे थे तो मैं बीच में अड़ गया, क्योंकि हमारा अड़ने वाला स्वभाव था, अड़ गए कि भाई आप लोग केवल गुरु गुरु करते हैं, आप ही लोग के गुरु महाराज इतना कथा कहते हैं बढ़िया, बाबा महाराज नहीं कहते हैं। तो भैया हमारे बात को सुनकर मारूंगा एक तमेचा ना, तुरंत बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो श्याम सुंदर जी कह रुक जाइए, मारिए मत, अभी बच्चा है, जब कुछ दिन पढ़ लेगा तो वही बात कहेगा जो आज आप कह रहे हैं। तो मैं हकीकत कह रहा हूँ, जब मैंने व्याकरण पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, बहुत जगह माथा पची कर लिया, तो महाराज जी के सामने ही विवेक विहार में दिल्ली में जब अनुमोदन करने के लिए कहा तो मुझे वही बात दोहरा कर कहनी पड़ी कि मैं आज अपने गलती को क्षमा याचना करते हुए भैया श्री से और श्री श्याम सुंदर प्रभु से भी और महाराज जी के भी चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे नहीं समझ में आया था। इसलिए हमने उस समय बाबा और इनके बीच जो टैली करके लोग बोल रहे थे उस बात को हमने काटा था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो उस समय ये लोग बोल रहे थे पूर्णतः सत्य बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि ये केवल गुरु होने के नाते बोल रहे थे। तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि अगर मैं जितना देखा हूँ, मैं धारा प्रवाह संस्कृत बोलने वालों के साथ रहने वाला हूँ, मैं भी धारा प्रवाह संस्कृत में बोल सकता हूँ, न्यायिकों के साथ, वैदांतिकों के साथ, मीमांसकों के साथ, वैयाकरणियों के साथ मैं रहकर देख लिया हूँ, लेकिन जिस विषय वस्तु का महाराज प्रतिपादन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, मैंने अब तक ऐसा किसी को नहीं देखा। और यह निर्विवाद सत्य मैं कहता हूँ, किसी को बुरा लग जाए लग जाने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा जैसा अनुभव है 15-20 साल के बाद यह मैं बोलना चालू किया हूं। तो महापुरुष अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं, दुर्लभ होते हैं, अगम्य होते हैं, लेकिन अमोघ होते हैं। तो ऐसे महापुरुष के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हम ज्यादा ना कहकर अब यही विराम देंगे, क्योंकि हम औकात के अनुसार ज़्यादा समय ले लिए हैं, हमारे वरिष्ठ पूज्यवर वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, हम आप सबके चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद श्री भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री अपने जीवनाराध श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे यही निवेदन और प्रार्थना करते हुए कि मेरी मति और मेरी बुद्धि उनके चरण चिन्हों पर चले और मैं भागवत में लगा रहा हूँ, आप लोग भी यही आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।